ये पेनी स्टॉक है फटने को तैयार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आप सब लोगों की एक डिमांडिंग वीडियो में लोग अगेन मैं लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो गाइस आपको कम से कम 50 से 100% का रिटर्न इस लेवल से देता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट होने से पहले यार आप लोग लाइक बटन दबा दीजिएगा। इस लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, लाइक एम टारगेट रखते हैं गाइस इस वीडियो के अंदर 2000 लाइक्स का। तो चलिएगा, इस वीडियो का हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस आप लोग अगर स्टॉक का प्राइस देख रहे होंगे तो गाइस देख सकते हो 9.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। तो गाइस पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि ये कौन सा स्टॉक है और क्या है, देखते हैं कितने लोग प्रिडिक्ट सही करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यार पेनी स्टॉक से मतलब फ़ायदे से पहले यार उसके नुकसान सुन लो। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी मैं समझाता हूँ। गाइस पेनी स्टॉक के अंदर कभी भी अपनी कैपिटल का 5% से ज़्यादा का रिस्क ना लें, क्योंकि गाइस हो सकता है ये पेनी स्टॉक 9 से 5 और फिर 0 भी हो सकता है। तो गाइस कभी भी किसी पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करें तो ध्यान रखें 2 से 5% हार्डली इन्वेस्ट करें, जिस कैपिटल का खोने के बाद आप लोगों को गम ना हो। दूसरा गाइस, पेनी स्टॉक को लॉन्ग टर्म भी आप लोग रख सकते हो अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। तो गाइस अभी ये स्टॉक कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा है एम शेप। तो गाइस इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक है, अपने टेक्निकली सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आकर खड़ा हो गया है, जो कि गाइस इसका 7 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में निकल कर आ रहा है। बाकी गाइस आप जब लोग यार कंपनी के नेट प्रॉफिट में होगे ना तो कुछ अमेजिंग देखोगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर गाइस। तो गाइस देखो, कंपनी घाटे से ना पहले घाटा कम करती है, उसके बाद शानदार तरीके से प्रॉफिट बड़ा राइज कर देती है। मतलब इसका पीछे का लॉजिक क्या है, आप लोग जिसने इस कंपनी का शेयर का नाम पता हो ज़रूर बताना यार, मैं नाम तो आपको बताऊंगा, बट गाइस इस बैलेंस शीट में एकदम से इतना तेजी का क्या फैक्टर है? तो गाइस सोचो, जो कंपनी अभी 400 कर रही है, अगर अगले क्वार्टर में 200 करोड़ भी गाइस PNL में शो कर देगी ना, तो गाइस आप सोच भी नहीं सकते पेनी स्टॉक 10 रुपये से कहाँ तक जा सकता है। गाइस मिनिमम 20 यार, कुछ भी नहीं तो गाइस रो पीट के तो 20 तक चला जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स की। तो गाइस शॉर्ट टर्म सबसे पहला टारगेट है गाइस इसका 12.40 रुपये के आसपास का। अब जैसे ही गाइस ये 12.40 रुपये के आसपास काटेगा, अगला टारगेट हो जाएगा 14 का। तो गाइस 12.5 को क्रॉस करने के बाद गाइस ये स्टॉक कम से कम गाइस इस लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, गाइस 17 और उसके बाद 20। तो गाइस ये इसके 3 टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। बाकी गाइस लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, 25 30 40 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, बट गाइस हो सकता है वो 5 साल में जाए और हो सकता है वो 1 साल में भी आ जाए। तो गाइस एक बार आप लोग अपनी रिसर्च कर देना, मेरा काम है गाइस आपको 50 से 100% बताने का, मतलब कि सेफ रिटर्न कहाँ बन रहा है। तो गाइस देखेंगे तो यार स्टॉक किस का मतलब किस सेक्टर की है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो नेटवर्क रिलेटेड है इनका, सर्विस कंपनी है, टावर कंपनीज, और ये काफ़ी कंपनीज की हेल्प भी करता है, मतलब काफ़ी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो गाइस फाइनली काफ़ी सारे लोग यार स्टॉक का नाम देखने आते हैं। तो गाइस स्टॉक का नाम देख सकते हो GTL। तो गाइस कन्फ्यूज़ मत होना, GTL के नाम से यार 2 कंपनी के शेयर आ जाएंगे, एक गाइस जो 1.5 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें लोअर सर्किट चल रहा है, और गाइस एक ये। तो गाइस हो सकता है दोनों कंपनी सेम ही हो बट अलग अलग सेक्टर में काम करती हूँ। तो गाइस स्टॉक ये ध्यान रखना कि जैसे ये स्टॉक 9.70 रुपये को क्रॉस करेगा, गाइस 9.70 रुपये के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो गाइस ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, कम से कम फिर 10-11 तो बहुत आराम से टच कर देगा गाइस। तो गाइस इसके ऊपर बाय कर सकते हो जो सेफ प्लेयर्स हैं, और गाइस अगर ये स्टॉक यहाँ पर भी मिलता है 8.5-9 रुपये के आसपास तो बिंदास बाय कर सकते हैं। बाकी गाइस एक बार आप लोग अपनी रिसर्च भी ज़रूर करना। बट गाइस एक और इंटरेस्टिंग बोल सकते हो थोड़ा सा, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट, गाइस प्रमोटर होल्डिंग 32 से 14 पे आ गई। तो गाइस ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, पब्लिक को स्टेक है और बढ़ा दिया गया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है आप लोग अपने आप से देख लेना। गाइस मेरा काम है आपको सच और झूठ दोनों बताना, कि मतलब कंपनी क्या झूठ बोल रही है, क्या घपला भी चल रहा है और क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो गाइस कुल मिलाकर फैक्टर्स अगर आप लोग देखते हैं तो 10 में से यार मैं इसको 7 नंबर देने लायक समझता हूँ स्टॉक को, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। तो होप गाइस जितने भी लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और जो लोग यार चैनल पर पहली बार हो ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।